सर समाजवादी पार्टी के नेता हैं मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी जिस तरह से आपत्तिजनक एक टिप्पणी आती रहती है सनातन धर्म को लेकर के, अब माता लक्ष्मी को लेकर के उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इस पर आपका क्या कहना है? स्वामी प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और वो लगातार सनातन के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हमारे पूज्य साधु संतों के बारे में, और अभी माता लक्ष्मी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो मानसिक दिवालियापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मठ मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, अभी केदारनाथ जी महाराज के दर्शन करके आए, वो मंदिर बनवाने का भी आश्वासन लोगों को दे रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी कन्फ्यूज है, और समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद जी के जो बयानबाजी उनकी है, जिस प्रकार का बयानबाजी वो कर रहे हैं सनातन के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में, धर्म ग्रंथों के बारे में, जिससे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो समाजवादी पार्टी का उसमें क्या अधिकृत मत है, ये सब अखिलेश यादव जी को जरूर बोलना चाहिए। अच्छा सर, आपके सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में, अभी हुआ नहीं है, तो अब उनका बयान सामने आया है कि नेता जो है दो मुंह के सांप होते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ उन्होंने कहा है, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स की बात की है कि अन्य दल भी उनके संपर्क में है, चुनाव में कौन कहाँ क्या जाए कहाँ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए का हिस्सा है, वो हमारे साथ है, और निश्चित रूप से जो भी बातचीत या जो भी गठबंधन में जो मर्यादा है, सीमाएं हैं, उसमें रहकर हम सब लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो हमारे साथ ही हैं, और हम सब लोगों को मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सफलता, एनडीए को बड़ी सफलता दिलवाकर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः सरकार बनाने का सबका लक्ष्य है, और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग उसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे।